साथियों, अपनी पुरानी परंपराओं को भुला देना और फिर कोई दूसरा बताए तो उसे नए सिरे से सीखना, इस आदत को भी हमें बदलना है। हल्दी, मैं हैरान हूं जी, हम लोगों के जीवन में हल्दी हर उपचार में है, लेकिन हमें तो उसका मूल्य तब तक नहीं था जब तक कि दुनिया ने हल्दी पर पेटेंट कराना शुरू न किया। यानी कहीं वाया किसी देश से कुछ चीज आती है तब हमको ध्यान होता है, अरे यार ये तो हमारे यहां ऐसे ही घरों में होता है। हमने इस आदत से बाहर आना, हमें अपनी चीजों पर भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए और दुनिया को जीतने का ये तरीका है, इस बात को लेकर के चलना भी चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आज हम देखते हैं कि जिस भोजन को हमने छोड़ दिया उसको दुनिया ने अपनाना शुरू कर दिया। जो जौ हो, ज्वार हो, रागी हो, कोदो हो, सामा हो, बाजरा हो, सामा हो, कुछ लोगों को तो नाम भी मालूम नहीं होंगे, ऐसे अनेक अनाज पहले हमारे जीवन की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा था, खान पान का हिस्सा हुआ करते थे। लेकिन वक्त बदल गया, हम लोग आउटडेटेड लगने लगे, भय रहता था कि ये खाएंगे तो यार दुनिया को कैसे लगेंगे, ये तो पुरान पंथी है, ये बेकार है, उसको तो नई चीज आती नहीं है, कुछ समझता नहीं, ऐसे ही मानेंगे, तो हमने छोड़ दिया। लेकिन धीरे धीरे हमारी ये सारी चीजें थालियां से गायब होती गई। ये घर में शायद बनाना भी अब तो नहीं आता होगा कई परिवारों को। इस खान पान गरीब, और दूसरा हम लोगों ने क्या कर दिया, हमने हर चीज में अमीरी गरीबी का भेद कर दिया और इसलिए इस थाली को भी ये खाएं मतलब गरीब, उसको टैग लगा दिया, तो फिर मैं गरीब नहीं हूं ये कहने के लिए भी उसने थाली छोड़ दी। ये बड़ा मनोवैज्ञानिक, इतना बड़ी विकृति हमारे यहां आई है। लेकिन अब क्या हुआ, अब हम देख रहे हैं इस पोषक आहार की पूरी दुनिया में डिमांड है। आजकल जब हम ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल पर जाते हैं तो अक्सर हैरान हो जाते हैं, जिस अनाज को कोई फ्री में लेने के लिए भी तैयार नहीं होता था वो सैकड़ों रुपये किलो के हिसाब से आज दुनिया के लोग ढूंढ रहे हैं। अब हमारे बिहार की तरफ आप जाएंगे, वहां के सारा मखना है, अब वहां धीरे धीरे इतना पॉपुलर हो रहा है, लोगों को लगता है भाई कैल्शियम है, आयन है, तो इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता है। अब धीरे धीरे उसकी, अब हमारा काम है कि उसका ग्लोबल मार्केटिंग कैसे हम खड़ा करें, पैकेजिंग बढ़िया कैसे करें और उसको जो भाषा में समझ आता है कैसे समझाएं। मैं समझता हूं कि बहुत सी बातें हैं, अब समय आ गया है कि न्यूट्रिशन के इस खजाने को फिर से भरा जाए, देश को मिलेट रिवॉल्यूशन पर काम बढ़ाना होगा, किसान मिलेट उगाएं और फूड प्रोसेसिंग से जुड़े हमारे उद्योग उनसे ऐसे आकर्षक प्रोडक्ट तैयार करें जो हर पीढ़ी को पसंद भी आए और उनके खान पान का हिस्सा भी बने। अहम बात यह है कि मिलेट हर प्रकार की मिट्टी में उगता है और पानी अगर कम भी है तो भी वो अपनी सेवा करना छोड़ता नहीं है, यानी भारत के पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, हम पूरी दुनिया के लिए मिलेट का उत्पादन कर सकते हैं। इससे प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के ब्रांड के रूप में भारत का नाम भी होगा, मानवता की सेवा भी होगी और किसान की आमदनी भी बढ़ेगी।